लगता है मुझे प्यार हो गया, चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। ओके सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। बीटमार प्रोजेक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, इंपोर्ट कर लेना। अब बीटमार के साथ साथ आपको तीन फोन को इंपोर्ट करना है। ओके तो तीनों फोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक का नाम है गेम लियोन, ओके, एंड दूसरा का नाम है 11 मिल्क बोल्ड, एंड तीसरा का नाम है iOS V14। तो इन तीनों फ़ोन का जो लिंक है वो आपको अल मटेरियल्स वाले में मिल जाएगा। अल मटेरियल्स वाले में ड्राइव में अपलोड करके दे दूंगा, आप चेक कर लेना। उसके बाद इस प्रकार से फ़ोन इंपोर्ट कर लेना। आई होप कि आपको फ़ोन इंपोर्ट करना आता ही होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो मैंने वैसे बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है, तो आपको ज़रूर आता होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोन इंपोर्ट कर लेना, उसके बाद प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके अब यहाँ पे आपको आ जाना है 8:11 सेकंड पे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जो भी फोल्डर में आपका फ़ोटो है, सिंपली यहाँ पे अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। अब गाइस जो भी फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को एड करना है। ऊपर से डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पर क्लिक करना है, सॉरी गाइस इस वाले एरो पर क्लिक करना है 2 बार, ओके, और यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेना है। सो गाइस इस प्रकार से 2 बार क्लिक करके आगे जो डबल बीट मार्क है ना, वहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे। और ट्रिम करने के बाद अब गाइस क्या करेंगे, बीच में जो बीट मार्क है इस वाले बीट मार्क पे आ जाएंगे 8:24 सेकंड पे, फोटो को सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ट्रिम कर लेंगे। फिर डबल बीट मार्क पे आ जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, दूसरा फोटो को एड करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, फिर 2 बार इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे। 3 बार भी कर देना बिकॉज आगे डबल बीट मार्क है, तो यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे। फिर बीच वाले बीट मार्क पे आगे फोटो को सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस फोटो को एड करके ट्रिम, मतलब इस प्रकार से फोटो में कट लगाते जाना है। इसलिए ऐसा नहीं कि बाद में फोटो को कट लगाओगे तो फोटो ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए फोटो एड कर करके इसी प्रकार से आपको कट लगाते जाना है फोटो में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से आपको क्या करना है। तो इस प्रकार से डबल बीट मार्क पे फोटो को ट्रिम करेंगे यहाँ पे आके, और बीच वाला जो फोटो बीट मार्क है यहाँ पे आके फोटो को सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कट लगा देंगे फोटो में। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर दूसरा फोटो को एड करेंगे और इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे कम से कम 2 बार, और यहाँ पे डबल बीट मार्क पे आएंगे, फोटो पे मतलब फोटो को ट्रिम करेंगे, और फिर से बीच वाले ऑप्शन में मतलब बीट मार्क पे आके और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम कर लेंगे। ओके तो इसी प्रकार से आपको लास्ट तक सही फोटो को एड कर लेना है। ओके लेकिन लास्ट में जो हमारा एक फोटो एक ही पार्ट में रहेगा, इसका 2 पार्ट नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है, ऐसे कि फिर वाले प्रोजेक्ट को आपको ओपन कर लेना है, पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, फिर बैक आके बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, फिर आपको आगे आना है। और आगे आने के बाद जो हमने फोटो को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें जो पहला वाला पार्ट है सभी फोटो का, पहला वाला पार्ट में इस वाले इफेक्ट को सिंपली आपको पेस्ट करना है। ओके इफेक्ट पेस्ट करने के लिए आपको फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है इस प्रकार से। ओके तो जितना ही फोटो सभी का पहला वाला पार्ट में आपको इस वाले इफेक्ट को सिंपली पेस्ट कर देना है इस प्रकार से, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। ओके तो यहाँ पे हम सभी फोटो का पहला वाला पार्ट में पेस्ट करेंगे, यानी कि जो डबल बीट मार्क के बाद जो पार्ट है उस वाले पार्ट में पेस्ट करेंगे। ओके सिंगल बीट मार्क के बाद जो है उसमें पेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला वाला पार्ट में इफेक्ट को पेस्ट कर दिया। अब इतना करने के बाद फिर बैक आ जाना यहाँ से, एंड सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद सेकेंड नंबर का जो इफेक्ट इसको कॉपी कर लेना, एंड कॉपी करने के बाद फिर बैक आना है, बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब जो यहाँ पे फोटो का सेकंड पार्ट बचा हुआ है उस वाले पार्ट में हम इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। तो एक फोटो का 2 पार्ट किया था, तो ये पहला पार्ट में तो इफेक्ट को हमने पेस्ट कर दिया, जो सेकंड पार्ट है इसमें हम इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से अब वीडियो लगेगा देखने में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके तो यहाँ पे सभी फोटो का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे लास्ट तक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको लास्ट तक इसी प्रकार से कर देना है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। ओके इसी प्रकार से आपको लास्ट तक सभी फोटो में पेस्ट कर देना जो कि बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट में। फिर यहाँ से बैक आ जाना, एंड से के पेट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने बाद यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना जो कि ऊपर में है। फिर यहाँ पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर करना है, बैक आना है, बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। शुरू में ही आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है, फिर आपको स्लाइड करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है,
और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है लास्ट तक लेके आ जाना है। तो जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।